बिहार के वन मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव मिट्टी घोटाले में फंस गए हैं। यह आरोप बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी ने लगाया है। जिस मॉल से मिट्टी निकाली गई, उसका संबंध लालू यादव के परिवार से है। जो बनाने वाली कंपनी है वो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं। जहां पर मिट्टी को खपाया गया वो लालू जी के बेटे जो बिहार सरकार के मंत्री उनका विभाग है। अब पूरा मामला समझिए। सुशील मोदी का आरोप है कि पटना में जो सबसे बड़ा मॉल बनाया जा रहा है उसका संबंध लालू के परिवार से। इस मॉल की मिट्टी को तेज प्रताप के मंत्रालय यानी पर्यावरण और वन विभाग ने बिना टेंडर निकाले 90 लाख रुपए में खरीद लिया। कहा गया कि इससे पटना के चिड़ियाघर में सौंदर्यीकरण के लिए पगडंडी बनेगी। सुशील मोदी ने आरोप लगाया कि बिना टेंडर निकाले अपने ही मॉल की मिट्टी की खरीदारी अपने विभाग से करवाकर तेज प्रताप ने घोटाला किया। नीतीश इसकी जांच कराए, लेकिन नीतीश कितने गंभीर हैं आप खुद सुनिए। पटना के जू में 90 लाख की मिट्टी बगैर निविदा के खरीद कर ली गई है। हम तो इधर टहलने अपने कैंपस में ही टहल लेते हैं, आप टहलने गए क्या? श्याम सुंदर सुशोभित, पटना, इंडिया न्यूज। इस मामले में सुशील मोदी का आरोप है कि डिलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड मॉल की मालिक है। इस कंपनी में लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, छोटे बेटे तेजस्वी यादव और उनकी बेटी चंदा यादव डायरेक्टर हैं। 20 जून 2014 को इन सभी को डायरेक्टर बनाया गया था। वहीं उनका ये भी कहना है कि इस कंपनी पर बिहार के मौजूदा जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने 2008 में आरोप लगाया था। उस समय लालू रेल मंत्री थे और आरोप लगा था कि रांची और पुरी में रेलवे के 2 होटलों को गलत तरीके से एक कारोबारी को बेच दिया गया। बदले में उसने डिलाइट मार्केटिंग कंपनी को पटना में 2 एकड़ जमीन ट्रांसफर कर दी। ऐसे में सुशील मोदी इसके तार लालू प्रसाद यादव से भी जोड़ रहे हैं।